गाइस, मैं हूं विंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं समर के अंदर आप कौन सी डे क्रीम लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा कवरेज मिले और आपकी स्किन इवन टोन लगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लैक्मे 95 सीसी क्रीम। ये मेरे पास ब्रॉन्ज शेड है, मैं ऑलरेडी ही पेज रिव्यू कर चुकी हूँ। तो जो लोग डस्की स्किन टोन वाले हैं उनके लिए ये शेड है। ऑलरेडी ये हनी और 3-4 शेड्स में ऑल अवेलेबल है, विच इज ग्रेट, क्योंकि सीसी क्रीम या बीबी क्रीम अपने इंडियन मार्केट के अंदर इतने ज्यादा शेड्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर प्राइस करें इसकी तो ये है 99 रुपीज का, एक स्मॉल ट्यूब पैकेजिंग आते हैं जो कि इतने बड़ी पैकेजिंग होती है। तो इसके अंदर से मैं दूसरा शेड मैं आपको निकालूंगी, मैं दोनों शेड वन बाय वन आपको स्वॉच करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो ये है इसकी न्यू पैकेजिंग। बाय द वे, इसकी पुरानी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक ब्रॉन्ज कॉपरिश कलर का आप कैप देख सकते हैं, बट इसकी न्यू पैकेजिंग के साथ ऐसा नहीं है। ये एकदम सिंपल ट्यूब पैकेजिंग के साथ है, लाइक जैसी बेज कलर की इसकी ट्यूब है वैसा ही इसका कैप है। पैकेजिंग वही है, रोज गोल्ड पैकेजिंग है इसकी, काफी 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 क्लासी पैकेजिंग है। ट्यूब भी बहुत सुंदर लगती है। नोजल और सबके बारे में बात करेंगे तो जान लेते हैं। इसके अंदर है SPF 30 PA++, विच इज ग्रेट क्योंकि समर सीजन है, मॉनसून है, रेनी सीजन है, तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, सूरज का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, तो SPF मस्ट है। SPF 30 बहुत ही अच्छी अमाउंट का SPF है जो एक सीसी क्रीम आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसका प्राइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ग्राम की बात करें तो ये 9 ग्राम ऑफ क्वांटिटी है इसकी, 9 ग्राम इसको आपको मिलेगा। ये जो कहता है क्लेम वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम है, सीसी क्रीम का मतलब यही होता है, जो आपकी स्किन को इवन टोन करता है, कंसील करता है सारे डार्क पैचेस को, एज वेल एज ये इंस्टेंट प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। अच्छा, तो ये किन लोगों के लिए है? ये परफेक्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। अब बात करते हैं इसके नोजल की, तो बहुत ही टाइनी जैसा दिखने वाला नोजल है, तो ज्यादा आप प्रोडक्ट डिस्पेंस नहीं करेंगे इसके अंदर से। तो अब देखते हैं, ये है मेरे पास ब्रॉन्ज शेड और जो कि बहुत ही अच्छा है, मेरी फ्रेंड रचना इसको लगाती है, वो थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन के अंदर है और उसके ऊपर ये परफेक्ट लगती है ये क्रीम, बहुत बहुत अच्छी और उसकी स्किन एकदम इवन लगती है। और ये है मेरे पास बेज शेड, तो आप फर्क देख सकते हैं, एक बहुत ही ज्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन के अंदर, एक बहुत ही ज्यादा डार्क है, दोनों येलो अंडरटोन के अंदर है जो कि इंडियन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मूज काइंड ऑफ टेक्सचर है इसका, देखिए इसका जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा मूजी है, लाइक मूज होता है लैक्मे 95 के अंदर, आई थिंक एक मूज भी आता है जो कंटेनर टाइप के अंदर होता है। स्मेल की बात करते बहुत ही ज्यादा फ्रूटी स्मेल करता है, स्मेल बहुत ही ज्यादा है, समरी स्मेल है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि ब्लेंड कितने अच्छे से होता है, तो पहले मैं ब्लेंड करती हूँ ये वाला। तो ब्लेंड होने के बाद ही कुछ ऐसा दिखता है, ब्लेंड करना बहुत ही इजी है, एकदम इवन कवरेज देता है और आपके स्किन के ऊपर ये पैचेस नहीं छोड़ता, विच इज ग्रेट। अब मैं बेज कलर को भी एक बार ब्लेंड कर देती हूँ, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट ली थी बट फिर भी देखते हैं कि कैसे ये ब्लेंड होता है। बिल्डेबल भी है ये, आप इसको दोबारा लेयर अप कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई है, बहुत ही अच्छे से ये कवर करता है आपके पैचेस को, हर एक चीज को आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है, बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी सीसी क्रीम। अगर आप बीबी क्रीम से दूर रहना चाहते हैं, यानी बीबी क्रीम आपको उतना कवरेज नहीं देती है, और इन दिनों गार्नियर बीबी क्रीम से आप थोड़ा सा परहेज करें क्योंकि वो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और इस मॉनसून सीजन के अंदर आप कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी स्किन इवन टोन लगे, पैचेस ना हो, साथ ही साथ आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क ना हो, सनस्क्रीन भी हो, एक क्रीम और आप गुड टू गो हो जाए, तो आपके लिए लैक्मे 95 सीसी क्रीम एकदम परफेक्ट है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरी खुद की कमाई से है ये क्रीम। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, डेमो के साथ मैंने इसको दिया है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ दिनों से कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आज से कमेंट के रेगुलर रिप्लाई होंगे, सभी कमेंट के रेगुलर रिप्लाई होंगे, तो आप प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ और नीचे कमेंट के थ्रू जरूर छोड़ दीजिए। मेरी तरफ से इस क्रीम को है 4 out of 5 बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रीम है, ऑक्सीडाइज नहीं होती है बिल्कुल भी, जैसे पॉन्ड्स की जो क्रीम है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, साथ ही साथ गार्नियर भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, अगर आपने उसको लगाया होगा भी तो आपको पता होगा, बट ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है,
बहुत अच्छी है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, एकदम लाइट वेट है स्किन के ऊपर, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी सी क्रीम लगा ली है। अगर आप इसको पाउडर के साथ सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अन्यथा आप बिना पाउडर के ऊपर ही बिल्कुल एक वेलवेट फिनिश है इसकी, बिल्कुल बिना पाउडर से भी आप जा सकते हैं। बज नहीं होती है ये, 6 से 7 घंटे तक की क्रीम कहीं नहीं जाएगी। अगर जिनको जा भी रही है तो नोज के अराउंड से हल्की फुल्की क्रीम जा सकती है, अन्यथा कहीं से भी क्रीम नहीं जाएगी। परफेक्ट क्रीम है फॉर मॉनसून सीजन। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सजेशन कोई नीचे कमेंट के थ्रू छोड़ दीजिए, आपसे डेली रिप्लाई होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और डेली वीडियोस रहेंगे। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय।